नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौहान, खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लेके चलते हैं, आज हमारे चैनल के स्टूडियो में मौजूद हैं अपना दल यस पार्टी के जिला प्रवक्ता उदय प्रताप पटेल जी। तो हम आज तमाम मुद्दे जो हैं और तमाम रणनीतिक बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपसे रूबरू कराते हैं उदय पटेल जी से। उदय जी, आज जो इस समय एक देश में राजनीतिक उठापटक देखा जा रहा है और आपकी पार्टी बीजेपी पार्टी के साथ गठबंधन में है, तो क्या एक माहौल बनता हुआ आपको दिख रहा है इस समय राजनीतिक परिदृश्य में? जी, हमारी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, गठबंधन की सरकार में है और हम लोग पार्टी के नेतृत्व में माननीय अनुप्रिया पटेल जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, जो पार्टी से नेतृत्व के आदेश होता है उसके अनुसार हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं और लोगों को तेज़ी से पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं ताकि 2022 के चुनाव में हम लोग मजबूती के साथ सरकार बनाने में सफलता प्राप्त करें। जैसा कि आपकी पार्टी OBC समाज के लिए काफ़ी बढ़ चढ़ के बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े कार्य करती है, उनके विकास के लिए हमेशा तत्पर रहती है, तो आप लोगों का जो है इस समाज के प्रति क्या एक सोच है, कैसी जन चेतना उनके अंदर आप लोग जागृत करना चाहते हैं? जी, हम लोगों की जो ये पार्टी है अपना दल यश, डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी ने जब अपना दल बनाया था तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि अपना दल शोषितों, कमेरों, वंचितों का दल अपना दल है। तो इसलिए उनके जो हमारे अपना दल का संविधान था जो डॉक्टर साहब ने हम लोगों को दिया, उसके उनके निर्देशों पर हम लोग चलते हैं। इसका हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, कमेरों, जिनको अपना अधिकार नहीं मिल पाया है उनके अधिकार की लड़ाई हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी मजबूती के साथ देश के सर्वोच्च सदन संसद में उठाने का कार्य करती हैं और हम लोग सदैव पिछड़ों के लिए लड़ते रहेंगे, अपनी नेता के आदेशानुसार समाज में उनके हित के कार्य करेंगे और उनके लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे कि उनका विकास जैसे भी हो सके हम लोग अपने माध्यम से ज़्यादा करवाने का काम करेंगे। आपके जो है कि जिले में देखा जा रहा है काफ़ी आपके पार्टी से जो है कि विधायक निर्वाचित हुए हैं पिछले विधानसभा के चुनाव में और काफ़ी लोग सक्रिय भी हैं आपके पार्टी से, तो आप लोग जो है कि आगामी जो है चुनाव आने वाला है 2022 में विधानसभा का, उसके लिए आपके ज़िले में क्या तैयारियां चल रही हैं, किस हिसाब से आप लोग आगे बढ़ेंगे, क्या रणनीति होगी और क्या आप लोगों की सोच होगा, क्या उद्देश्य होगा, इसके बारे में बताइए। जी, हम लोग आगे 2022 में होने वाले चुनाव के लिए निरंतर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और गांव-गांव चल करके सदस्यता करा रहे हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और लोगों से बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने जन समस्याओं की समाधान के लिए बहुत सारे प्रयास किया। जैसे हमने देखा कि हमारी सरकार रोड के लिए सबसे अच्छा काम की, गड्ढा मुक्त सड़क, गाँव-गाँव हर गली गली में सड़क बन रहे हैं और तमाम प्रकार की सुविधाएं जैसे किसान बीमा, जनता को, गरीबों को, शोषितों को, जिनको सख्त आवश्यकता थी, जुताई बुवाई के समय पर उनको पैसे की समस्याएं आती थी, खाद बीज के लिए समस्या आती थी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं दी जैसे किसान बीमा योजना, तो किसानों को हर 3 महीने पे 2,000 रुपये मिलते हैं जिससे उनके खेती के काम में, उनके सिंचाई में, बीज में काम आए और लोगों का विकास हो। इन सभी मुद्दों को हम जनता के बीच रखते हैं और जनता इसे मानती भी है और हम लोगों को लगता है कि हम लोग इन सभी मुद्दों के साथ और पिछड़े, शोषितों, कमेरों के अधिकार की लड़ाई के लड़ते हुए 2022 में सफलता को प्राप्त करेंगे। जैसा कि देखा जाता है आप लोग बीजेपी पार्टी से गठबंधन में हैं और एक तरह से कह लीजिए बड़े भाई छोटे भाई का आप लोगों का एक तालमेल होता है यहाँ पे, तो किस हिसाब से आप लोग अपनी बातों को रखते हैं बीजेपी के जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं या कह लीजिए गवर्नमेंट में, योगी सरकार में, आप लोग किस हिसाब से कैसे आप लोग अपने लोगों की बात को पहुँचाते हैं, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, हम लोग गठबंधन में हैं, ये सरकार में हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, हमारी सांसद माननीय बहन प्रिया पटेल जी खुद हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आप देखते होंगे तमाम प्रकार की बातों को वो संसद में उठाती हैं, जैसे आरक्षण के मुद्दे को, जैसे अभी जो है कि कई भर्तियां आई, उन सब भर्तियों को लेकर के कि उसमें हम लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, वो व्यवस्थाएँ नहीं मिल रही हैं, तो तमाम प्रकार के हमारी मांगें पूरी भी की जा रही हैं सरकार के द्वारा।
बाकी जो भी पार्टी से संबंधित चीज़ें हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग जैसे हमारे मुखिया हैं और भी लोग हैं, वो अपना बातचीत करके उसको एडजस्ट करते हैं। और इसके साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों का जो जिले में कार्य होता है उसकी मॉनिटरिंग कैसे आप लोग अपने शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंचाते हैं, और इस समय जनपद जौनपुर के बारे में कैसा माहौल चल रहा है आपके शीर्ष नेतृत्व में आपके पार्टी की तरफ से। जी, हमारी पार्टी की जो उद्देश्य हैं उसको हम लोग पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग जैसे सिस्टम बना हुआ है, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, मैं जिला प्रवक्ता खुद हूं, और भी हमारे ज़िले के तमाम अहम पद हैं प्लस विधानसभा अध्यक्ष हैं, सभी लोग हैं, एक दूसरे से क्रमवार जुड़े हैं, और सिस्टमैटिक रूप से हर सिस्टम विधानसभा अध्यक्ष जिलाध्यक्ष से बताता है, जिलाध्यक्ष सिस्टमैटिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से प्रदेश कार्यालय तक वो सूचना को पहुँचवाता है, और वो सूचना प्रदेश कार्यालय के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुंचता है। इस प्रकार हम लोग मजबूती के साथ संगठन को चला रहे हैं और सिस्टम में बने हैं। आप जिला प्रवक्ता भी हैं जनपद जौनपुर से, तो हम ये जानना चाहेंगे और कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने ज़िले के तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को और इस ज़िले के जितने भी जनता है, क्योंकि इस समय देखा जा रहा है कि जैसे कि भाजपा सरकार ने अभी लागू किया है, NRC लागू करने की बात चल रही है, CAA जो है कि लागू करने की बात चली, तो तमाम जगहों पर पूरे उत्तर प्रदेश में देखा गया आगजनी, हिंसा, ऐसी घटनाएं घटने लगी, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को, अपने प्रदेश की जनता को, अपने जनपद की जनता को इस मुद्दे पे? मैं अपने ज़िले के सभी कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहता हूं और उनसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार ही कार्य करें और इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए संगठन की मजबूती पर ध्यान दें। और मैं जनता से निवेदन करता हूँ कि आप जिस प्रकार से सरकार बनाने में मतदान देकर के मजबूती के साथ सरकार बनाया है, उसी प्रकार सरकार पर भरोसा करने का काम करें। सरकार जो भी फैसला लेगी या हमारी नेता जो भी फैसला लेंगी वो अच्छा होगा हमारे लिए और समाज हित में होगा। जी धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ बने थे जो जनपद जौनपुर से अपना दल LS पार्टी के जिला प्रवक्ता। खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है।